बात करेंगे पीजीआई रोहतक की, जहां बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने पीजीआई से डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन किया। इस बीच हमारे संवाददाता ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से खास बातचीत की है। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस छात्रों का जो प्रदर्शन है वो आज 10वें दिन भी जारी है, और 10वें दिन देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के जो है डायरेक्टर ऑफिस से अब सीधे जा रहे हैं डीसी ऑफिस, मेडिकल मोड होते हुए जो है डी पार्क होते हुए और सुभाष चौक होते हुए सीधा अब जो है आप देख रहे हैं लंबी कतार जो है अब स्टूडेंट्स की देख रहे हैं लगातार जो है ये इनका जो आज प्रदर्शन धरना है वो 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हाथों में इनके बैनर है कि जो बॉन्ड पॉलिसी है उसको सरकार वापस ले। हालांकि सरकार से मुख्यमंत्री से स्टूडेंट्स ने बात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। सीट बेचना बंद करो, झूठ बोल बहकाते हैं, सीटों के दाम लगाते हैं, सीट बेचना बंद करो, इस तरह की ये इस तरह के नारे लेते हुए ये जो है अभी जा रहे हैं। तो इनका जो प्रदर्शन अभी जारी है, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है लगातार जो प्रदर्शन इनका जारी है, 10वां दिन प्रदर्शन है और प्रदर्शन करते जा रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं आप लोग प्रदर्शन? मुख्यमंत्री से बात हुई आपकी? हमारी मुख्यमंत्री से जो बात हुई उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि वो बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं लेंगे। तो हमारा एक ही मांग है, एक ही नारा है, तब तक बॉन्ड पॉलिसी नहीं हटेगी तब तक हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है डॉक्टर साहब? ममता। ममता, बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं, 10वां दिन जारी है और मुख्यमंत्री से भी बात हुई, उसके बावजूद भी जो बात नहीं चढ़ी? अभी तक हमारी मांगे मानी नहीं गई है। आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉन्ड जो आप दा भरे बाद में जो है जो बैंक के थ्रू जो आप ले सकते हैं। बैंक को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में? बैंक को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? तो डीसी के नाम क्या पन देने के लिए जा रहे हैं? देखिए जिस तरह लंबी कतार है और डॉक्टर्स जो है अपने जो प्रदर्शन धरना लगातार कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जब तक बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं होगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। लंबी कतारें हैं जो एमबीबीएस छात्रों की, 2019 बैच से लेकर के 22 बैच तक के जो तमाम जो 21 बैच तक के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर हैं, और लगातार जो है जो बॉन्ड पॉलिसी है उसको रिवर्ट कराने के लिए इनका कहना है कि ये जब तक बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं लेगी सरकार तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। 2020 के अंदर जो है सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी लागू की थी, लेकिन उस समय जो है बॉन्ड पॉलिसी को जो आगे बढ़ा दिया गया था। अब जो सरकार ने कह दिया कि बॉन्ड पॉलिसी हर हाल में ली जाएगी और उसको लागू किया जाएगा, जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया उसी के विरोध में स्टूडेंट जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका कहना कि जब तक बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं होगी तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज, रोहतक।